नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, गुजरात विधानसभा में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में विस्तार को लेकर उसके विकास और प्रवासन सत्ता मंडल के कुछ नियम लागू किए गए हैं। इसके भाग रूप आज आदिवासी समाज के लोगों ने रैली निकालकर नर्मदा के कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया। इस विधेयक के लागू होने के कारण लोकशाही के अधिकार ठीक तरह से नहीं मिलेंगे। पंचायत धरा के सभी नियम नामुद होंगे। रोजगारी में मुसीबतें आई। लोगों का शासन नहीं बल्कि अधिकारियों का शासन चलेगा। प्राइवेट मालिक की जमीन पर सरकार द्वारा संपादन होगा। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इंडिया खबर लाइव के लिए गुजरात नर्मदा से गौतम व्यास की एक रिपोर्ट। सरकार की ओर से जो काला कायदा आदिवासियों के लिए जो निकाला गया है उसका हम आदिवासी लोग सख्त विरोध करते हैं। हमारे आदिवासियों की ये जो सत्ता मंडल का जो काला कायदा है उसमें हमारे आदिवासियों की जमीन और नौकरी सब कुछ हमारा चले जाना। प्रवासन सत्ता मंडल जो कायदा लाया है गुजरात सरकार और विधानसभा में उसको पारित किया है, वो कायदा भारत के बंधारण के विरुद्ध में और विशेष करके आदिवासी क्षेत्रों में पैसा एक लागू है, पांचवी और छठी सूची लागू है। फिर भी आदिवासियों का विशेष अधिकार का हनन करके गवर्नमेंट यहाँ की गुजरात सरकार उस कायदे को लागू करके हमारे आदिवासियों का हक अधिकार और जमीन छीनने का ये योजना है। ये प्रवासन के नाम पर और टूरिज्म के नाम पर हमारे लोगों को यहाँ से खदेड़ने का, मालिक को मजदूर बनाने का कहावत रहा है। इसलिए आज हम कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देते हैं और अल्टीमेटम देते हैं, ये कायदा जब रद्द नहीं करेगा तब तक हम लड़ेंगे, क्योंकि हम कोई दूसरे देश से इमिग्रेशन होके नहीं आए हैं। हम यहाँ के मूल मालिक है, हम आदिवासी यहाँ के मूल मालिक है। फिर भी हमारे लोगों को ऐसा प्रताड़ित किया है और हमारा हक अधिकार छीनने का प्रयत्न किया है, उसका हम विरोध करते हैं। और जब तक ये कायदा सरकार नहीं हटाएगी, रूपाणी सरकार, तब तक हम लड़ेंगे।